गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम ट्रैवल करने वाले हैं पांडवलेनी, जो कि माहूर में ही है। आप यहाँ पर मार्केट साइड से आ सकते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे नहीं आते क्योंकि उन्हें पता भी नहीं है कि यहाँ पे एक एंशियंट जगह है जो कि बहुत पुरानी है। उसे पांडवलेनी इसलिए बोलते हैं कि जो पांडवास थे, जो 5 पांडवास थे, वो यहाँ पे आए थे। उन्होंने ही उनके खुद के लिए यहाँ पे एक गुफा वगैरह बनाई थी। जो हम तीनों पांडवलेनी आ गए हैं और हमने साथ में बैटरी भी ली हुई है क्योंकि अंदर दिखाई नहीं देता, कुछ लाइट नहीं आती। तो हम थोड़ा अंदर जाने वाले हैं बैटरी लेके, क्योंकि वो बैटरी से हम आपको दिखा सके। तो चलो उस तरफ जाने वाले हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम पांडवलेनी आ चुके हैं, तो अब हम पांडवलेनी आपको दिखाएंगे कैसी दिखती है और अंदर भी जाएंगे। ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ऑक्सीजन का प्रॉब्लम रहता है। गए हैं नीचे पांडवलेनी पे। तो आपको ये रही पांडवलेनी, अंदर बहुत सारी गुफाएं हैं। तो हम थोड़ा अंदर जाके देखते हैं कि अंदर से कैसी दिखती है। तो चलो आपको दिखाते हैं पांडवलेनी कैसी है अंदर से भी। ऊपर से पानी भी टपक रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। ये रहा पानी जो ऊपर से टपक रहा है। ये है मेन गेट जहाँ पे महादेव का मंदिर है। हे कौन जो मूर्ति है ही वाली दंगल धरती। हाँ हाँ तोड़ली ली, पण ही मूर्ती कशा चाहिए? विष्णूची आहे ती, भगवान विष्णू। तेव्हा हे याचे 3 तुकडे केलेले आहे। कोण तोडले होते? हिंदू मुस्लिम भांड 1984 किती 84 लगा। आणि काका इथून कुठेतरी रस्ता निघते म्हणतो ना? काशीला निघतो। कोणी कोण तिकड निघा काशीला? हे
है, यहाँ पे पूरी कॉलोनी है उनकी। जो लोग माहूर घूमने आते हैं तो पांडवलेनी उन्हें पता ही नहीं है कहाँ पे है, तो मैं बताऊंगा पांडवलेनी माहूर में ही है। माहूर के मार्केट से आपको लेफ्ट लेना पड़ेगा, आप किसी से भी पूछ सकते हैं और यहाँ पे आप विज़िट करिए क्योंकि बहुत पुरानी मूर्तियाँ बनाई हुई है और देखने लायक जगह है, बहुत ही एंशियंट जगह है, बहुत पुरानी है। तिकडचं इकडं आहे बहुत सारे यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, अलग अलग लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, पता नहीं, आई थिंक ये सब गॉड के नाम है उनके। तो हम अभी गुफे के अंदर जाने वाले हैं। ये रहा अंदर का व्यू, यहाँ पे हनुमान का, हनुमान की, हाँ कौन थे, सॉरी, यहाँ पे भीम की मूर्ति है। यहाँ पे आना है तो ग्रुप में आना क्योंकि यहाँ पे कभी कभी एनिमल भी होते हैं। जो हमने बताया था जो रास्ता काशी में निकलता है तो यहाँ से जाता है, और अभी यहाँ पे पैक किया हुआ है उसे क्योंकि कोई भी जाए ना अंदर। ये पूरा पैक कर दिया गया है, रात जी आता बंदी है ना। इसलिए हमने बैटरी लाई थी, पर बैटरी से भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पे बहुत ही डार्क है। तो भी हम आपको दिखाने का ट्राई कर रहे हैं। जितना भी ये उजाला है वो इन डोर से ही आ रहा है। गाइस हम पूरा किला घूम चुके हैं और जो हमने रास्ता बताया था तो उसे पैक कर दिया गया है क्योंकि बहुत बच्चे अंदर जाके चेक करते थे तो वापस आने में उनकी ब्रीथ थोड़ी अटक जाती थी, उन्हें वो ब्रीथ नहीं कर पाते थे अच्छे से, तो शायद उन्होंने पैक कर दिया है पूरा रास्ता, अभी नया बनाया हुआ है तो अंदर कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है। तो भी हमने ट्राई किया आपको दिखाने के लिए। तो और जो यहाँ पे घूमने आते हैं तो उन्हें सिर्फ रेणुका देवी या दत्त शिखर या अनुशय पता है,
और ज़्यादा से ज़्यादा कैलाश टेकड़ी, तो पांडवलिनी नहीं पता है तो आप यहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत अच्छी जगह है। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आती होगी और इस वीडियो से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती होगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और